सो हम लोग बस तुंगनाथ टेम्पल पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पीछे शायद आपको लाइट दिख रही होगी। और यहाँ पे चारों तरफ स्नो ही स्नो है। काफी अंधेरा था, प्लस इतनी ज्यादा ट्रैक में बर्फ थी, इतनी ज्यादा स्नो थी, ब्लैक आइस, बहुत ज्यादा फिसलन थी। इसकी वजह से सेफ्टी शूज लेकर आना अपने, और एक स्टिक भी ले लेना, थोड़ा सही रहेगा। अभी सनराइज को कैप्चर करते हैं, बिल्कुल होने ही वाला है। सो हम लोग ऑलमोस्ट तुंगनाथ टेम्पल पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने सनराइज मिस कर दिया है क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा थी। और ये जो कुत्ता है ना, ये हम लोगों के साथ नीचे से आया है, हम लोग को गाइड करते हुए नीचे से हमारे गुरु जी है। इससे मिलाते हैं कुत्ता जी। हमें गुरु जी, कुत्ता जी बोल दो, चैनल सब्सक्राइब कर दे। जहाँ पे हम लोगों के पैर है वहाँ पे सिर्फ बर्फ है, बीच में जाओगे तो नीचे तक स्लिप करते हुए जाओगे। अब ये भाई ऐसे ही गिरा है। सॉरी कैमरा एंगल हो सकता है उल्टा आ गया हो, क्योंकि कैमरा पकड़ने का यहाँ पे टाइम नहीं है। ओह तेरी, आप देख सकते हो क्योंकि मेरे शूज काफी अच्छे हैं, फिर भी यहाँ पे जहाँ पे थोड़ी ताजी बर्फ है वहाँ पे अगर हम लोग कदम रखेंगे। ओह शिट, इस बोर्ड ने बचा लिया। तो गाइज तुंगनाथ टेम्पल हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी टेम्पल विजिट नहीं किया है, वहां पे अभी जाएंगे तो दिखाएंगे आपको। लेकिन यहां से आगे चंद्रशिला का ट्रैक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कितना यहां से गंदी है, मतलब ट्रैक कितना गंदा है। इधर भी पहाड़ और इधर गहरी खाई, लेकिन मैं वहां चंद्रशिला तक तो नहीं जाऊँगा, उस कॉर्नर तक ज़रूर जाऊँगा जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। वहां से शायद अच्छा व्यू आएगा, सब कुछ आएगा, तो वहां चलते हैं। और आई होप कि वीडियो सही आ रहा हो, आप लोगों को पसंद भी आ रहा हो। डाउनहिल में थोड़ा सा वीडियोस बनाएंगे फनी, जब हम लोग लड़के लोग ट्रैक पे फिसलेंगे। काफ़ी ज़्यादा ब्लैक आइस थी। और ना एक बात कहना चाहूँगा यार, हर फ़ोन की बैटरी, अगर आपका फ़ोन का नेटवर्क ऑन है, आधे घंटे में 60% उतर जाएगी। कैमरा फुल चार्ज था और मेरे को बस 2 मिनट हुआ चालू किए, इसकी एक डंडी कम हो गई है। तो आई होप कि ऑडियो भी आपको सही आ रहा हो, क्योंकि मैंने हेलमेट का माइक निकाल के इस पर सेट कर दिया है। तो चलते हैं और आप लोग भी इंजॉय करो नज़ारे। सनराइज हो तो गया, लेकिन अभी तक मुझको देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, शायद यहाँ से सन हमको देखने को मिले। और देखो भाई कितनी खतरनाक रास्ता है यहाँ पे, आगे बर्फ भी काफी ज्यादा है। यहाँ पे जो काला काला दिख रहा है ना, ये भी बर्फ ही है। अरे गजब, यहाँ पे पहाड़ी जो भेड़ होती है वो भी दिख रही, देखो 2 भेड़ है यहाँ पे। यहाँ नहीं जाएंगे भाई, मारती भी बहुत है, नेशनल जियोग्राफिक में देखा है मैंने। यहाँ से भी सन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बस जस्ट यहीं पे छिपा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं कि
पता नहीं कैमरे पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो मैं जा रहा हूँ टेंपल को विजिट करने के लिए। हर हर महादेव। ट्रैक है पीछे से, लेकिन लड़के कह रहे हैं इस शॉर्टकट से चलते हैं, यहाँ पे रास्ता बना हुआ है बना। और देखो यहाँ पे कुछ और बना यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, हल्का हल्का पगडंदी दिखाई दे रही है। और वहाँ पे देखो ऐसे हम लोग जाते हुए। डाउन हिल में ज्यादा वीडियोस नहीं बना पाए क्योंकि डाउन हिल में टाइम ज्यादा लगता है और खतरा भी ज्यादा है स्लिप होने का। तो अभी पीछे से मेरा फोन हाथ से गिरा और यहाँ तक स्लाइड करके आ गया। पहाड़ के बीच में है, यहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे। जैसे तैसे नीचे तो आ गए भाई, सबके पैंट थोड़े थोड़े गीले हो गए हैं। नहीं मेरे नहीं हुए, मैंने पैसे दिया है। अच्छा तुम्हारे नहीं हुए। यहाँ से हाइट चेक करो, वहाँ से ऊपर से वो देखो हम ही लोग का स्लाइड करते हुआ है। ये सारा निशान हम ही लोग का है, अभी हमने वीडियो देखा ही होगा। तो अब नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने पे ज्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे। डाउन हिल में अगर आपको ऐसे बर्फ से ढका हुआ ट्रैक मिलेगा तो आप क्या करेंगे? एक लकड़ी, अगर ट्रैकिंग स्टिक नहीं है आपके पास तो वो ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर एकदम ऐसे प्लेन है तो बैठ के सरक जाओ, वो भी बेटर है, मगर यहाँ पे निकला जा सकता है। तो चलते हैं। आपको शायद कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा ढलान है यहाँ पे और ऊपर से ये बर्फ। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है इसलिए फोन अंदर रखते हैं। बीच बीच में हम लोग ऐसे शॉर्टकट लेते जा रहे हैं क्योंकि जो मतलब मोड़ है वहां पे ढलान काफी ज्यादा होती है और वहां पे जो बर्फ आपको शायद दिखाई दे रही होगी वो काफी ज्यादा वहां पे खतरा है, मतलब बहुत फिसलते हैं, इसलिए इस तरह के हम लोग बीच बीच में शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। रात में तो नहीं कर पाए थे क्योंकि अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बट दिन में करेंगे। उधर नहीं जाएंगे, यहीं से उतरेंगे अगर देखेंगे अगर सही होगा तो। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या बहुत सारा शॉर्टकट मार रहे हैं। देखो यहाँ पे बीच बीच में बर्फ है, बीच बीच में मिट्टी है, तो मैनेजेबल था इसलिए हम लोग इधर आ गए। बट ज्यादा देर व्लॉग नहीं कर सकते क्योंकि एक हाथ से बैलेंस बनाया जाता है, दोनों हाथ से तो बेटर रहेगा। और ये स्टिक जो यहीं से तोड़ ली मैंने उसको भी यूज करना है। सो काफी नीचे आ गए भाई हम लोग। वो लोग हमसे कम से कम आधे घंटे आगे थे अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो। काफी आगे थे, आधे घंटे से ज्यादा आगे तो पीछे होगा। यहाँ पे ब्रो स्लिप करेगा। अबे हम लोग सीधे वहाँ जाएंगे देख।
हाँ उधर, तो वो जो स्लिपरी है उसको भी पार करेंगे? हाँ उसको पार कर लेंगे आराम से, हम लोग बहुत आगे निकल गए इन लोगों से। फाइनली द ट्रेक इज ऑलमोस्ट ओवर, अब हम लोग नीचे आने वाले हैं। अब हम लोग नीचे पहुंचने वाले हैं और इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, क्योंकि अब हम लोग यहां से बाइक लेके सीधे निकलेंगे या तो देवप्रयाग या तो श्रीनगर के लिए, और वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।